पे पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू। पाक क्रिकेट की दुकान अब बंद होने वाली है। पाकिस्तानी क्रिकेटरों की आने वाली है शामत। अब इमरान भी पाक क्रिकेट को नहीं बचा पाएंगे। हिंदुस्तान रुलाएगा पाकिस्तान को खून के आंसू। हिंदुस्तान करेगा पाकिस्तान पर सबसे बड़ा अटैक। हिंदुस्तान सिखाएगा पाकिस्तान को सबक। भारत करेगा पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से आउट। पाक को बाहर करने के लिए COA की आपात बैठक। BCCI की मीटिंग के बाद पाकिस्तान में मचेगी खलबली। ICC को भी हिंदुस्तान की बात माननी ही पड़ेगी। हिंदुस्तान को मंजूर नहीं क्रिकेट में टेररिस्तान। आज आपको दिखाएंगे कैसे हिंदुस्तान करेगा पाक को वर्ल्ड कप से आउट। पाकिस्तान ने जिस तरीके की हरकत पुलवामा में की वैसे उसके लिए हर सजा कम है, लेकिन एक सजा भारत और BCCI पाकिस्तान को दे सकता है अगर उसको वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट परिंदर सिंह, उनके साथ हम चर्चा करेंगे और उन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे जिससे पाकिस्तान का बॉयकॉट किया जा सकता है वर्ल्ड कप में। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट की कैसे COA की मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में अहम फैसला लिया जा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान होगा वर्ल्ड कप से आउट। दुश्मन देश पड़ेगा क्रिकेट में अलग थलग। नापाक देश को मिलेगा कड़ा सबक। मनीष सर, पहले तो बात ये हो रही थी कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ मैच ही नहीं खेलना चाहिए, एक मैच जो है वो दे देना चाहिए पाकिस्तान को, हमें नहीं खेलनी उनके साथ क्रिकेट। लेकिन अब मांग ये भी उठ रही है कि पाकिस्तान को बाहर करो वर्ल्ड कप से। BCCI के पास इतनी पावर है, सारी रेवेन्यू ICC की BCCI से जा रही है, क्या एक कदम उठा सकती है BCCI? नहीं, बोल दे कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर। नहीं, देखे मांग कर सकते हैं लेकिन उनको वर्ल्ड कप से निकाल देना मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं होगा BCCI के लिए। चाहे कितना भी आपका क्लाउट हो, चाहे कितना भी आप BCCI के पैसों से ही चल रही हो ICC, तब भी ये काम नहीं हो सकता है क्योंकि ICC वैसी और कंट्रीज ढूंढ रही है क्रिकेट खेलने के लिए, और अभी वैसी 8-10 कंट्री हैं जो टेस्ट मैच क्रिकेट में सबसे ऊपर खेल रही हैं, उसमें से एक बाहर निकल जाएगी तो ये ICC नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि ये मांग की जा सकती है BCCI द्वारा क्योंकि इमोशंस बहुत इस समय हाइट पे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होने वाला है। सो ये आप लेके चले, आप इंडिया का मैच ना खेले, इंडिया की टीम ना खेले, वो किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान को अगर बाहर करने की मांग करें या ये कहे कि अगर पाकिस्तान को बाहर नहीं करेंगे तो हम शिरकत नहीं करेंगे वर्ल्ड कप में, वो नहीं होगा। क्या और कदम उठा सकती है मनीष सर, क्या ऑप्शन है BCCI के सामने, क्योंकि मांगे तमाम है भारत पाकिस्तान के खिलाफ 16 जून का मैच ना खेले, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखाए। अगर आप कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता है, किस तरीके की सजा PCB या डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दे सकता है? देखिए, पहले ही इतनी बड़ी सजा दे रखी है, इंडिया पाकिस्तान के बीच सीरीज नहीं होती, उनके लिए इतना रेवेन्यू लॉस है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की जब सीरीज होती है पाकिस्तान बोर्ड के पास खूब पैसा आ जाता है ताकि वो अपनी क्रिकेट बाकी की चला सके, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट चला सके, अपने खिलाड़ियों को अच्छे पैसे दे सके, लेकिन वो एक सजा इनको पहले ही मिली हुई है, लेकिन इन सब से सीख आ नहीं रही है। ये मुझे लगता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कुछ ना कुछ होना पड़ेगा जिससे कि वहां पर स्थिति सुधरेगी और वहां से जो हरकतें हो रही है हिंदुस्तान में वो ना हो। जहां तक क्रिकेट का सवाल है, मेरे ख्याल से जितनी सजा BCCI दे सकती थी उतनी पाकिस्तान को दी जा चुकी है। जी हाँ, लेकिन मनीष सर मांग यही है कि कोई कड़ा संदेश और दिया जाए, कम से कम वर्ल्ड कप में तो ऐसा किया जाए कि पाकिस्तान को याद रहे कि किस तरीके की हरकत उसने भारत के साथ की थी और उसको सबक सिखाना जरूरी है। लेकिन कल दिल्ली में कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटेड कमेटी, उनकी बैठक होने वाली है और इस बैठक में जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो होगा भारत पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मुकाबला, भारत खेले या ना खेले और क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए भारत को, इस मीटिंग में सब कुछ डिस्कस होगा। पाक को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान की बड़ी तैयारी। बॉर्डर से लेकर मैदान तक हिंदुस्तान पड़ेगा पाकिस्तान पर भारी। हिंदुस्तान उड़ाएगा नापाक पाकिस्तान की नींद और चैन। COA की मीटिंग में बनेगा पाक को वर्ल्ड कप से बाहर करने का प्लान। पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक COA की मीटिंग में पाकिस्तान को लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा। माना जा रहा है कि मीटिंग में पाक को वर्ल्ड कप से बाहर करने का प्लान तैयार किया जाएगा। वहीं टीम इंडिया को क्या रुख अपनाना है इस पर भी चर्चा होगी। और ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त का कहना है कि पाकिस्तान से सारे संबंध तोड़ देने चाहिए। खेल के मैदान में देश का सर गर्व से ऊंचा करने वाले पहलवान योगेश्वर दत्त इस वक्त हमारे साथ हैं। योगेश्वर, पुलवामा का जिस तरह से हमला हुआ, फौजियों पर कायराना हरकत की आतंकवादियों ने,
और उसमें पाकिस्तान का खुलकर नाम सामने आ रहा है। और बात अब ये भी की जा रही है साथ में कि विश्व कप में भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ ना खेले, नहीं होना चाहिए, लोगों में इतना आक्रोश है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, पहले तो पूरे देश को बहुत ज़्यादा दुख है जो पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए हैं, उसके बाद भी चार जवान फिर शहीद हुए, काफ़ी देश में काफ़ी गुस्सा और दुख है और सभी की संवेदनाएं शहीद परिवारों के साथ में है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान के साथ ऐसे कोई भी संबंध नहीं रखने चाहिए जिससे पाकिस्तान, जैसे आप कहीं भी देखिए, आप बिजनेस में देखिए, कहीं भी देखिए, कोई सब बंद करने चाहिए, वो खेल का क्षेत्र हो या कोई भी, या कोई बिजनेस का हो, कोई भी कोई भी टर्निंग सोर्स है वो बंद होना चाहिए, तभी उसको वो होगा, क्योंकि सबसे पहले है इंसानी कमर तोड़ी जाती है, पहले पाकिस्तान की जो कमर है वो टूटनी बहुत ज़रूरी है। और अभी क्रिकेट की एक बात चली है, मेरा मानना है कि उसके साथ क्रिकेट के साथ साथ कोई भी खेल नहीं खेलना चाहिए। दो बातों की एक बात, योगेश्वर दत्त का कहना सीधा यही है कि पूरी तरह से सब संबंध बंद होने चाहिए और जो अर्निंग सोर्स है उस पर चोट की जानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन,